साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे पाइजोटाज 2.25 ग्राम इंजेक्शन है साथियों। ये कम्बिनेशन इंजेक्शन है साथियों, पाइप्रासिलिन टाइजोबैक्टम इंजेक्शन है साथियों। साथियों ये जो है मैग्मा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का जो है इंजेक्शन है साथियों। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, साथ ही साथ साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे, कंट्राइंडिकेशन एंड डोजेस की बात करेंगे, साथ ही ब्रांड की बात करेंगे साथियों। पाइजोटाज 2.5 ग्राम जो हमारे पास इंजेक्शन है, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो ये 1.125 ग्राम में भी आता है, 2.250 ग्राम आता है जो कि हमारे पास है, एंड 4.5 ग्राम इंजेक्शन आता है, 3 स्ट्रेंथ में आता है। तो साथियों जो हमारे पास है वो 2.25 ग्राम है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। पाइप्रासिलिन एंड टाइजोबैक्टम इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट निमोनिया। साथियों ये निमोनिया में यूज होता है, स्किन में यूज होता है, गायनकोलॉजिकल एब्डोमिनल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो विकार होता है, कहने का मतलब ये बैक्टीरियोस्टैटिक इंजेक्शन है और उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथियों पाइप्रासिलिन इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड पेंसिलिन ग्रुप, पेंसिलिन क्लास की ये एंटीबायोटिक है, एंड इट वर्क्स बाय किलिंग द बैक्टीरिया। और ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया को ग्रोथ को जो है किल कर देता है और इनहिबिट कर देता है। साथ ही साथ टाइजोबैक्टम जो है साथियों बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लास की जो है दवा है जो इसके साथ मिली है, टाइजोबैक्टम। तो साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूजेस की बात करेंगे तो साथियों इसका यूज है जो स्किन इन्फेक्शन में होता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, निमोनिया में होता है, निमोनिया में जो है ट्यूबरकुलोसिस है और जो है फेफड़े से ग्रसित किसी तरह की बीमारी है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, सेवरल वेजाइनल इन्फेक्शन में होता है, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में UTI में भी होता है, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि निमोनिया COPD का केस होता है उसमें इस्तेमाल, एंड स्टमक इन्फेक्शन होता है किसी तरह का, एंड PID पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड इन्फेक्शन होता है उसमें उपयोग किया जाता है, और जो मस्तिष्क ज्वार होता है, कहने का मतलब है जो है मेनिनजाइटिस हो जाती है, सर का बुखार हो जाता है उसमें उपयोग किया जाता है, एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाता है, मरीज को कभी सर्जरी की जाती है उस साइट पे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है उसमें उपयोग किया जाता है ये इंजेक्शन। साथ ही साथ क्या होता है कि साथियों ये जो है डेंटल इन्फेक्शन होता है, बर्न होता है, घाव हो जाता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। तो साथियों बहुत से इसके यूजेस हैं, डॉक्टर अपने विवेक से जो है इसको रिकमेंड करते हैं। साथियों इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नोजिया लगती है, डायरिया बन जाता है, सर में दर्द होने लगता है, नींद ऐसी आने लगती है, हार्ट बर्न होता है, और गैस बनने लगती है, एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस होते हैं, जैसे कि रेडनेस हो गई है, इचिंग होने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे, जो सिस्टाइटिस के मरीज हैं उसमें ये उपयोग नहीं किया जाता है, साथ ही साथ किडनी की डिजीज है या जिनको झटके आते हैं उसमें उपयोग नहीं होता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे साथियों, जो पेंसिलिन ग्रुप से एलर्जिक होते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, साथ ही जिनकी किडनी डायलिसिस होती है उनको नहीं इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिजीज जिनके अंदर होती है और लो सोडियम साल्ट जिनके अंदर होता है उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है, एंड प्रेग्नेंट महिलाओं में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथियों डोज की बात करेंगे तो डोज इसका डिपेंड करता है एज, वेट, डिजीज पे, तो 100 mg से लेके 150 mg पर kg इन डिवाइडेड डोज लगाया जाता है, और साथियों जो मैक्सिमम डोज है 16 mg तक इसको दिया जा सकता है। मान लीजिए जैसे 60 kg का अगर कोई मरीज है, हेल्दी पर्सन है, तो उसको 6 ग्राम तक दिया जा सकता है, या 6.5 ग्राम इंजेक्शन, या फिर जो है 2.25 ग्राम है उसको सिंगल पूरा इंजेक्शन जो है सुबह और शाम दो बार लगाया जा सकता है। साथियों हाउ टू इंजेक्ट, इसको कैसे लगाएंगे, तो ये हमेशा IV लगता है, 5 से 10 ml डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट कर लेते हैं, या जो है NS के साथ जो है डाइल्यूट करके धीरे धीरे पुश करके लगाते हैं, और इसको जो है क्या होता है AST करके लगाते हैं। AST मतलब होता है एलर्जिक टेस्ट जो है होता है, उसको लगाने के बाद जब रेडनेस नहीं आती तभी इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ब्रांड की बात करेंगे, बहुत सी फार्मास्यूटिकल में इसका ब्रांड आते हैं, जैसे कि ड्यूराटाज आता है अरिस्टो फार्मा कंपनी का, एंड टी पेप साथियों बेस्टोकैम का होता है, एंड टाइजेक्ट सिप्ला फार्मा का होता है, एंड टाइजर ल्यूपिन का आता है, और जो पाइजोटाज है जो हमारे पास, ये मैग्मा हेल्थ केयर लिमिटेड का इंजेक्शन है।
साथियों इसकी एमआरपी जो है 219 रुपये मार्केट में है, सभी जगह अवेलेबल है और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है जरूर हमें कमेंट करिए। साथियों नमस्कार।